चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेड की बात करते हैं। निफ्टी तो खैर नीचे है, डेज लो पे, लेकिन वो बैंक निफ्टी को भी खींचता हुआ ला रहा है। राजेश पालवी आ गए हमारे साथ। राजेश, निफ्टी पे तो स्टॉप लॉस लग गया मेरा, क्या बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दूं गुंजाइश देखते हुए, या रिवर्स करूं, बैंक निफ्टी में अपना प्रॉफिट बुक करूं और अब निफ्टी लूं, क्योंकि दोनों अब विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बैंक निफ्टी लेकिन भी नहीं करना है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे ही हम 42,450 के नीचे फिसलेंगे, वहां पे बैंक निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट के ट्रेड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हुए दिखेंगे, तो मैं 42,450 का वेट करूंगा। वो ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी बैंक निफ्टी के सेटअप स्टिल स्टेबल है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे 42,500 के आसपास से सपोर्ट लेके बार बार बाउंस देता रहेगा। 450 के नीचे यस क्लियरली एक सेल का सिग्नल बनेगा। यस कंपैरेटिवली निफ्टी में जरूर वीकनेस बनी हुई है आज के सेशन में स्पेशली, क्योंकि हम 18,100-18,150 जो कि एक हर्डल है इस सीरीज के लिए, उसको अभी भी क्रॉस करने में, उसके ऊपर सस्टेन करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाई है निफ्टी। हायर साइड पर सप्लाई बना है तो निफ्टी में जरूर 18,100-18,150 स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने के लिए, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे। अभी भी सेटअप यहाँ पे बुलिश लग रहा है, 42,450 के टूटने का वेट करेंगे शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। ये रिलायंस में क्या किया जाए? एक मिनट, आप रिलायंस का ग्राफ चेक करिए, डेजलो की तरफ जा रहा है, वो भी खींचता हुआ जा रहा है बाजार को। आज फ्रेश शॉर्टिंग हुई है, दो दिन से चल रहा था ये रिजल्ट के पहले कमजोरी। एक बार इससे समझ लेते हैं हमारे सहयोगी सौमित से कि रिजल्ट्स में बाजार क्या अनुमान लगा के बैठा है। सौमित बताइए। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री से एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। भले ही कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो 5% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस, बट एबिटा करीब 8% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। मार्जिन्स करीब 15.5% आ सकती है और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे करीब 17% हायर होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस आप देखें तो रिटेल बिजनेस का जो रेवेन्यू और एबिटा है वो करीब 7-8% ग्रो कर सकता है, क्योंकि फुटप्रिंट ज़्यादा थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था और ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट भी कंपनी को मिल सकता है। उसी के साथ अगर आप O2C सेगमेंट देखेंगे तो उसका जो एबिटा है वो करीब 6% हायर होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पे से एक्सपोर्ट टैक्स को निकाल दिया गया था और ऑन अ रिलेटिव बेसिस भी अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल टैक्स का जो इंपैक्ट था वो कम था थर्ड क्वार्टर में। अब अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करें तो वहां पे 22% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY23 में गैस प्राइसेस भी हायर थे और गैस की प्रोडक्शन भी हायर हुई थी कंपनी के लिए, और इसी कारण स्ट्रॉन्ग 22% ग्रोथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अब अगर आप रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 4% होगा। ना ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगा कंपनी के लिए पिछले 7 क्वार्टर में, क्योंकि आरपू ग्रोथ लोअर है और सब्सक्राइबर एडिशंस भी जो हुई है वो ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस कम हुई है। अब भले ही सब्सक्राइबर एडिशन कम हुई है बट पिछले 3 consecutive quarters से कंपनी ने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और थर्ड क्वार्टर में जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो करीब 43 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब एबिटा की अगर हम बात करें तो उस पर करीब 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंपनी से, और इसका कारण पहले तो ये है कि जो रेसिडुअल बेनिफिट होगा लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का उसका एक बेनिफिट आ जाएगा, और उसी के साथ जो आरपू में 2% की ग्रोथ होगी उसके कारण एबिटा में ये 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। बट अगर बताइए रिलायंस को कैसे ट्रेड करें अगर आज सुबह या कल लास्ट सारा ट्रेड में शॉर्ट किया हो तो? अजय जी, रिलायंस में जरूर हायर साइड सप्लाई बनते हुए दिखी और स्टॉक में जो पिछले दिनों में हमने पुलबैक देखा था उस पुलबैक में भी स्टॉक अपने 20 एवरेज को कामयाब नहीं रहा। हमें लगता है जिस तरीके की यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए ये स्टॉक में एक वीकनेस जरूर यहाँ पे दिख रही है। मेजर डाउनसाइड का ट्रेड ओपन होगा करीब 24.15 के ब्रेकडाउन के बाद, वो लेवल अगर टूटते हैं रिलायंस में तो उसके बाद हमें लगता है एक मेजर डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को फिर 23.40 की तरफ नीचे की तरफ लेके जा सकती है। ऑन द अदर हैंड जब तक ये स्टॉक में 2490-2500 के लेवल क्रॉस नहीं होते, छोटे मोटे उछाल में वहां पे एक सप्लाई का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होता के बाद, लोअर साइड के टारगेट आना चाहिए फिर 23.60-23.40 तक।
लिए 2340, 2360 के यहाँ पर बात आज नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक और नंबर्स पर होगा पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस। आज शाम को ईटी नाउ स्वदेश के साथ ही बने रहें, जब रिलायंस के नतीजे आएंगे रिव्यूज आपके सामने हम जरूर पेश करेंगे और तब विस्तार से एनालिस्ट से भी बातचीत होगी नतीजों पर। लेकिन राजेश जी, आज तो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स की बदौलत ही बाजार में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा, मिड कैप आईटी प्लेस हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं, ऐसे में ट्रेडिंग आइडियाज आप कौन से पिक कर रहे हैं मार्केट के लिए? बिल्कुल, फाइनेंशियल में ही पहला ट्रेडिंग आइडिया है और उसमें मानसी जी हमारा स्टॉक जो फोकस में है वो HDFC लिमिटेड। काफ़ी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद HDFC लिमिटेड ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट पे बनाया है। डेली सेटअप की बात करें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट दो दिन पहले हुआ था और उसके बाद हमने देखा एक सस्टेंड अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है HDFC लिमिटेड में। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है, हमें लगता है HDFC लिमिटेड एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 2770 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 2685 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तीन दिनों से देखा स्टॉक में एक अच्छी बाइंग यहां पे देखने को मिली है। स्टॉक अब अपने 50 रीगेन करने में कामयाब रहा है। तो जिस तरीके के कोल इंडिया में लगता है यहां पे 235 का अपसाइड का टारगेट आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 222 के आसपास। ठीक है, सो ये तो कोल इंडिया पर एक सवाल आपका जवाब रहा। ठीक है, चलिए अब इस बीच अर्निंग्स पर मैनेजमेंट्स के रिएक्शन भी ले लेते हैं। पॉलीकैप के नंबर्स आए आज और वायजन केबल का रेवेन्यू जो क्वार्टर वाइज बढ़ा है, मार्जिन सिक्वेंशली इंप्रूव हुए मेजरली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। हमारे साथ पॉलीकैप के CMD इंदर जय सिंघानी और CFO गंधर्व मिस्टर गंधर्व भी बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। पहले मेरा सवाल इंदर जी आपसे रहेगा, क्योंकि जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है Q3 में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। आप फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 को देखें, उससे अगर हम कंपेयर करें तो Q1 में 47% थी, Q2 में 20% हुई, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। हालांकि हायर बेस भी आपने विटनेस किया था, तो क्या रीजन है, बड़े रीजन क्या है इस स्लगिश डिमांड की, क्या फैक्टर्स बता पाएंगे आप हमें? डिमांड तो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल इज अवेलेबल एंड योर एक्सक्यूज अवेलेबल, डिमांड इज गुड, डिमांड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, ऑल राइट, ओके, बिल्कुल। गंधर्व जी आपसे भी समझना चाहेंगे, कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइसेस में तो लगातार हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी है, हालांकि ऊपर से कमोडिटी प्राइसेस नीचे भी आए हैं, क्या आपको पास इंक्रीज इन कॉपर प्राइसेस भी आपने पास किया था और आगे फर्दर आपकी रॉ मटेरियल प्राइसिंग को लेकर क्या आउटलुक बन रही है? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हेजिंग फ्रेमवर्क है और प्राइसिंग मैकेनिज्म है। जो भी हमारे कॉपर एल्युमिनियम की लागत में बढ़ोतरी या गिरावट होती है वो हमारे एंड कस्टमर को हम हर महीने के महीने पास कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में कोई गिरावट नहीं हुई है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। ये थर्ड क्वार्टर हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर है एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वार्टर हमारी हिस्ट्री में टॉप लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छा क्वार्टर है, तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है अगर वॉलिडिटी होती है कॉपर प्राइसेस में, एल्युमिनियम प्राइसेस में। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। रुचित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित, निफ्टी को लेके आइए डॉक्टर साहब, अभी 5 मिनट पहले एक रिबाउंड सा अटेम्प्ट कर रहा है, सपोर्ट लेके 18,050 के आसपास निफ्टी को इंट्रे लाइए, बैंक निफ्टी को तेजी में था, ये देखिए। आपको लगता है कि ये वापस आ जाएगा अपने डेज हाई 18,150 के आसपास? क्या इस समय लेना चाहिए निफ्टी? अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बता दें साथ में जी। वेरी गुड, आई थिंक आज हमने देखा है परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग स्पेस से आ रही है। सो आई थिंक अगर ऑप्शन में या इंडेक्स में कोई ट्रेड करना है तो निफ्टी से ज्यादा प्रिफर बैंक निफ्टी को करना चाहिए। हालांकि निफ्टी में भी एक नो ज्यादा यहाँ से मंदी नहीं लग रही है, क्योंकि हमने हाल ही वो 17,950 से 18,000 के रेंज का जो ब्रेकआउट देखा था वो अब डिक्लाइन में सपोर्ट तरीके से ऐड करेगा। लेकिन जो लीडरशिप आज आती हुई देख रही है वो बैंक निफ्टी से 42,500 के लेवल्स ब्रेक करके उसके ऊपर थ्रू आउट द डे सस्टेन हुआ है। तो अगर खरीदारी करके जाना है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन मे बी 42,700 के कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो। और एज फार एज स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है, क्योंकि मार्केट में आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जस्ट एक डिप है, तो मेरे दोनों ही स्टॉक्स जो है वो बाय साइड में है।
पहला है इंजीनियर्स इंडिया, जहाँ पे आज अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट फिर से देखा गया है। इनफैक्ट काफी सारे पीएसयू नेम्स में आज अभी हमने लास्ट दो तीन ट्रेडिंग सेशन से अच्छे एक्शन देख रहे हैं। और अब निफ्टी पीएसई इंडेक्स देखेंगे तो जो हमने प्रीवियस हाईज निफ्टी में बनाए थे 18,880 के आसपास 1 दिसंबर को, उस टाइम पे जो निफ्टी पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का इंडेक्स ने हाई बनाया था, वो इंडेक्स अब फिर से वो लेवल के आसपास पहुंच गया है। यानी मार्केट निफ्टी अभी भी 800 पॉइंट नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, बट पीएसई इंडेक्स उसके आसपास ट्रेड कर रहा है अपने प्रीवियस हाईज के आसपास। तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, और ये इसीलिए मेरे दोनों कॉल्स पीएसयू नेम्स का ही है। पहला इंजीनियर्स इंडिया, 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 94 से 95 तक के टारगेट्स के लिए। और दूसरा है एचपीसीएल, जहाँ पे ब्रॉडर एक अच्छे प्राइस अप मूव्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऑफ रेट देखे गए थे, करेक्शन में फिर से सपोर्ट के आसपास मिल रहा है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी एंट्री के लिए। 240 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में भी खरीदारी की जा सकती है। क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एचपीसीएल ट्रेडिंग आइडियाज है रुचित की तरफ से। राजेश जी, आईटी सेक्टर में मिड कैप आईटी प्लेस पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। आज सुबह बाजार खुलने से पहले कोफोर्ज के नंबर्स आए, पॉजिटिव नंबर्स थे। मिड कैप आईटी सेक्टर में चुनिंदा शेयर्स जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है उनमें अगर देखेंगे तो कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट जैसे नाम सबसे सामने आएंगे और यहाँ पर अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स अगर आप चुनना चाहें और मिड कैप आईटी प्लेस पर आपका नजरिया क्या है? तो रिलेटिवली हमने देखा कि मिड कैप आईटी स्पेस एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे प्राइस एक्शन में करते हुए दिख रही है, और उसमें परसिस्टेंट हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली है, हमें लगता है परसिस्टेंट में ये मोमेंटम इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे स्टॉक में नवंबर 2022 में, वहाँ की तरफ ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट करें कि इसका मोमेंटम 4400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो परसिस्टेंट यहाँ पे बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी डिप में ऐड किया जा सकता है। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस होंगे करीब 4200 के आसपास और टारगेट होंगे 4400 और 4450 तक के। वहीं अगर हम देखें तो आज कोफोर्ज में भी एक अच्छा ओपनिंग में देखा तो एक अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में, थोड़ा हायर साइड से जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग बना है, बट स्टिल इसके ओवरऑल सेटअप देखें तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है। जनवरी के इसने स्विंग हाई ब्रेकआउट दिए जो बने थे पिछले दिनों में, वो ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो अब यहाँ पे 4100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर कोफोर्ज बना रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो 4280 से लेके 4350 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोफोर्ज भी बाय किया जा सकता है या जिनके पास पोजीशन है होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 4070 के आसपास स्टॉप में अपना स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट हमें लगता है ये दोनों स्टॉक एक अच्छा मूव यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये तो मिड कैप आईटी पे व्यू रहा। आप एक कुछ और पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं, अर्निंग बेस्ड ट्रेड्स हैं ये। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने हैं, उस पर कैसे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले रुचित से आइए वापस लौटेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर ट्रेड चेक भी चार्ट चेक भी लेंगे। लेकिन पहले एक बार, क्योंकि मेटल्स आज के ट्रेड में आप देखें तो अब थोड़े से सॉफ्ट भी दिख रहे हैं, दूसरे रीजंस हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स अशेषा ने एक प्रीव्यू तैयार किया है। पहले अशेषा से समझ लेते हैं कि स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन क्या है। अशेषा बताएं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजों की बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पर टॉप लाइन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, वॉल्यूम्स में इस क्वार्टर कटौती देखने को मिली और इसी के चलते रेवेन्यू करीब करीब 6% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आयरन ओर और कोकिंग कोल के प्राइसेस घटे, इसी के चलते मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और उसी के चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील रियलाइजेशन की बात करें तो अबाउट 59,000 पर टन के आसपास रियलाइजेशंस आ सकते हैं, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर करीब 2-3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज की बात करें तो अराउंड 39,370 करोड़ पे रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है, 6% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 10.4% पे आ सकते हैं, जो 600 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा क्वार्टर टू से कंपेयर करें तो। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो एबिटा पर टन डबल हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, 7,000 रुपीज पर टन पर एबिटा एक्सपेक्टेड है वर्सेज 3,500 रुपीज पर टन जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। लोअर कोकिंग कोल और आयरन ओर प्राइसेस के चलते स्प्रेड्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल रेवेन्यू पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा लोअर वॉल्यूम्स के चलते, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर QOQ बेसिस पर अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है।
राइट हर्षिशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सब कंपाई करके लाने के लिए। तो नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, अनुमान आपने सुना, अब एक बार चार्ट्स क्या कहते हैं रुचित से समझते हैं। रुचित बताएं क्या ट्रेड बन रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील में? पुल ऑफ लग रहा है स्ट्रक्चर पे तो देखते हैं, ये नो स्टॉक में हाल फिलहाल देखे तो 775-780 ये क्रूशियल हर्डल अब तक क्रॉस ये स्टॉक ने किया नहीं है, और जो मेजर सपोर्ट स्टॉक का आ रहा है 89 एमए के आसपास वो 720 के आसपास है। सो काफी बड़ी रेंज ये स्टॉक में पिछले एक कुछ हफ्तों में बनी है, 720 के आसपास सपोर्ट, 780 के आसपास रेजिस्टेंस। आई थिंक नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव ये लेवल्स क्रॉस होते हैं उसके बाद ही देखने मिलेगा। सो इनकेस को डिप मिले और वो सपोर्ट के आसपास आता है 720 के आसपास, तो आइडियली कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स लेने थे वो अच्छे लेवल्स रहेंगे। राजेश, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डिस्कस करना चाहूंगा और चार्ट्स पे आप जरा स्टडी करके बताएं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये जो मैटर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्टॉक है रैलिस, ये इन्वेस्टर ओरिएंटेशन भी है, इसमें लोग बैठे हुए सालों से कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग भी अटेम्प्ट करते रहते हैं, मामला क्या है रिजल्ट के बाद? ये एक ऐसा टाटा ग्रुप स्टॉक है जो बहुत सारे कारणों की वजह से भयंकर अंडर परफॉर्मर रहा है। मैं आपसे चार्ट पे जानूंगा कि क्या कह रहे हैं चार्ट्स इसके, बट सौमित ने सारे रीजंस एक बार कोलेट किए हैं और ये लेके आए पर्सपेक्टिव कि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर क्यों है रैलिस, रिजल्ट्स के बाद भी, उसके पहले भी चीजें देखी। सौमित बताइए, अगर आप शेयर प्राइस में मूवमेंट देखेंगे तो वन ईयर हो, थ्री ईयर हो या फाइव ईयर हो, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अब हमने पिछले 24 क्वार्टर के पोस्ट अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखा और उससे हमें ये पता चला है कि पिछले 24 क्वार्टर में सिर्फ दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इनफैक्ट रैलिस इंडिया के शेयर प्राइस ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, बाकी 22 टाइम्स ये इसके शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला है पोस्ट अर्निंग्स। तो क्या फैक्टर्स है जिसके से ये अंडर परफॉर्मेंस रहा है? पहले तो अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो हार्डली कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, सारे उनके जेनरिक है। अब जेनरिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कंपटीशन काफी हाई होती है, इसलिए प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव लगा रहता है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में काफी गिरावट देखने को मिली थी फाइनल प्रोडक्ट के, बट जो कंपनी की रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्ट बनाने में लगती है उसके प्राइसेस में फॉल नहीं थी, और इसी कारण हमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था रैलिस इंडिया में। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो रैलिस के जो प्लांट्स है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। अब यूजुअली अगर प्लांट्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं तो मार्जिन स्विंग्स भी काफी ज्यादा होता है कंपनी के लिए, और इसी कारण भी कंपनी में अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम से हमें देखने को मिला है। अब जैसे कि रिसेंट टाइम्स में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, बट कंपनी के पास काफी हाई इन्वेंट्री कॉस्ट होने के कारण भी ये कंपनी जो बेनिफिट्स है वो कभी पास ऑन नहीं कर पाई, और इसी कारण मार्जिन्स में फिर भी प्रेशर बना रहा कंपनी के। अब एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण भी कंपनी में काफी वीकनेस देखने को मिलते हैं रिजल्ट्स में। अभी दो इंडिया में अगर हम देखें तो अबव नॉर्मल मानसून था, बट जो मॉनसून था वो अनइवन था और काफ़ी अनसीजनल रेनफॉल्स भी हमें देखने को मिले, इसी कारण कस्टमर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुका था जिसके कारण डिमांड कम हो गए प्रोडक्ट के और रियलाइजेशंस पे भी प्रेशर बनने लगा। उसी के साथ कंपनी की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशंस जो है वो करीब 20 टाइम्स पीई है, जो कि 5 ईयर एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है, 5 ईयर एवरेज कंपनी की वैल्यूएशंस की करीब 19 टाइम्स है, और एनालिस्ट की भी आप अगर रेटिंग्स देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं है एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि सिर्फ 21% ऑफ द एनालिस्ट जो है वो स्टॉक पे बाय रेटिंग रखते हैं, और अगर 12 मंथ टारगेट आप देखेंगे तो सिर्फ 3% ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस से कंपनी के। इतने सारे फैक्टर्स कोलैबोरेट करके लाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सौमित। तो चलिए राजेश से समझते हैं। राजेश, ये कुछ फैक्ट्स जो हमें सौमित भी प्रेजेंट कर रहे थे, पिछले 24 क्वार्टर्स की आप बात करें तो सिर्फ दो बार ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया स्टॉक ने, 19% का डाउनसाइड देखने को मिला इस साल रैलिस में, और अच्छा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कई सालों से। अभी चार्ट्स पर किस तरह के साइन दिखते हैं, क्या अभी भी एक अवॉइड दिखता है ये, या फिर कहीं से कोई रिवर्सल साइन दिखते हैं? देखिए, स्टॉक में जो इसका एक ट्रेंड था अप ट्रेंड, वो 2014 में जाके कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए दिखा। 2014 के बाद से स्टॉक एक रेंज में फंसते हुए दिखा, तो 2014 तक तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी स्टॉक में, फिर उसके बाद जो रेंज बनी है वो ऑलमोस्ट हम देखें तो 350 से लेके स्टॉक 160 यही रेंज में पिछले 6 से 8 साल से इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी यहाँ पे रेंज से ब्रेकआउट के कहीं कोई अभी भी यहाँ पे चांस यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे स्टॉक में एक सप्लाई वापस से
हायर साइड से बनते हुए दिखी, तो हमें लगता है लोअर बैंड की तरफ जाते हुए दिख सकता है, जो कि इसका है 175-160 की तरफ, वहां पे आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले महीनों में, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। डाउनसाइड में उसके आसपास बाय करें, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर हमें लगता है रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेंगे इसमें। बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो आना है वो करीब 350-360 की, जब तक ब्रेकआउट नहीं होंगे प्राइस एक्शन में, जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं बनेंगे और ये रेंज बाउंड ट्रेड चलता रहेगा 160-360 ये रेंज में ट्रेड करते रहे, तो डिप्स का वेट करें अभी यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं, क्योंकि इसके सेटअप बियर डेली वीकली मंथली ईयरली सारी टाइम फ्रेम पे एक वीक जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है थोड़ा डिप्स यहाँ पे और देखने को मिलेगी। 170-160 के लेवल है जहाँ पे एक बार वापस इसको रिव्यू करना चाहिए। सेंटिमेंट्स कमजोर, गिरावट का इंतजार करना होगा, इसे रिव्यू जरूर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कोई पोजीशंस ना रहे, इसे अवॉइड लिस्ट में डालें। ये राय राजेश जी की तरफ से आती हुई रैलिस इंडिया पर। चलिए 3 बज गए, हमारे साथ संजीव भसीन जी भी जुड़ गए हैं, उनका करते हैं स्वागत। संजीव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार की अगर बात करें आज तो मानो फ्राइडे सेशन में वीकेंड मोड में ही चला गया है, बैंक्स फाइनेंशियल सिर्फ कामकाज कर रहे हैं, HDFC ट्विंस की बदौलत सपोर्ट मिल रहा है, कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को संजीव जी आप? गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून मानसी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये जो आपका लीवर और एशियन पेंट्स का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, दैट इज रब्ड आउट के कंज्यूमर स्टॉक्स, बट आई थिंक दैट पार्ट एंड पार्सल। अगले हफ्ते से आपको पता है शॉर्ट रन एक्सपायरी है, तो लेने का मौका है, मुझे कोई दो राय नहीं, वी विल बी हेडेड टू 18500 अराउंड द बजट टाइम, दैट शुड बी अ गुड लेवल, और उससे ज्यादा स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। आपने देखा ये बैंक्स और IT देखिए, कोफोर्स परसिस्टेंट न्यू हाइस तो मार रहे हैं, उसके अलावा गेल और जुबिलर फूड सुबह आपको दिया था वो भी आउट परफॉर्मर है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी बताइए। तो देखिए मुझे ICICI प्रू के रिजल्ट बहुत बढ़िया लगे, इन द ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज दैट स्टैंड्स आउट, एंड द ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो न्यू प्रीमियम्स है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो 470 रुपए पे इट इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, 460 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। नेक्स्ट इज माई टॉप पिक इन द कमर्शियल व्हीकल, और अगर आप मैनेजमेंट से सुने तो अशोक वीलन इज सेइंग द नेक्स्ट 3 years ओनली बिलोंग टू कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस, दैट्स बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, डिफेंस एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग रीओपनिंग। अशोक वीलन एट 144 इज गिविंग यू बेस्ट एंट्री पॉइंट, 155 का टारगेट, 141 का स्टॉप लॉस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक द बेस्ट PSU स्टॉक इज कॉनकॉर्ड। As we see Baltic Freight Index go up, Concor gets the best opportunity of volume and weightage added. And I think at 706, it's a must-have in a portfolio. 689 ka stop loss, 740 ka target. ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आप संजीव जी आज समय देने के लिए और ये सारी स्टॉक पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। चलिए ठीक है, कुछ और नंबर्स भी है, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स है, मानसी ने प्रीव्यू तैयार किया होगा। मानसी ये नंबर बहुत ज्यादा देखे हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा क्लोजली, मैं बताऊँ आपको क्यों मानसी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अल्ट्राटेक के नंबर आए थे जब, तो भाव 6300 का लो था। डिम्पी हमारे साथ यहाँ बैठे एंकरिंग कर रहे थे, हमने कहा था डिम्पी ये आप नोट कर लीजिए, अगले रिजल्ट पे ये भाव नहीं होगा, आज का भाव देख लीजिए आप 7173 नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दी थी कि हमें तो बड़ी अच्छी दुनिया दिखाई दे रही है, अब आप बताइए कितना ट्रांसलेट होगा नंबर में? वो नहीं ट्रांसलेट कुछ हद तक होगा, लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पर वॉल्यूम्स और साथ ही रियलाइजेशंस देखे अजय पॉजिटिव रहेंगे, साथ ही मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर कंसर्न्स अब भी दिखेंगे, क्योंकि मुनाफा एंटिसिपेट हम कर रहे हैं कि करीब 33% की गिरावट देख सकता है। ऑफकोर्स डिमांड कंसर्न्स कम हुए हैं, डिमांड ठीक ठाक रही है, इसके चलते बिक्री जो है उसमें करीब 17% का इजाफा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्ट्राटेक सीमेंट में देखनी होती है अलग अलग सेगमेंट्स, इनके रेडी मिक्स कंक्रीट की रेवेन्यू जो है वो बढ़ती दिखेगी, व्हाइट सीमेंट रेवेन्यू जो है वो घटती दिखेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रे सीमेंट वॉल्यूम्स जो है उनमें बढ़ोतरी आएगी, जो कि एक पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों में याद रखनी चाहिए है कि Q3 में ही ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंपनी ने 2 एक्सपेंशन प्लान किए थे, एक तो इन्होंने 5.5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, ग्राइंडिंग कैपेसिटी कमीशन की थी, और दूसरी ओर नाथद्वारा की जो खबर आई थी तब भी एक्सपेंशन किया था ऑलमोस्ट 0.4 मिलियन टन पर एनम का। तो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, रियलाइजेशन अच्छे हैं, सेल्स ठीक है, लेकिन मार्जिन्स और प्रॉफिट गिरेंगे। क्या बात है, लेकिन भाव नहीं गिरेगा क्योंकि उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में के बाद आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक अच्छी कॉमेंट्री का यूज किया था। इस क्वार्टर के माइक्रो नंबर्स जो मानसी आपको बता रही थी उसके बाद वो आउटलुक क्या देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और जो प्रॉमिस किया था लास्ट क्वार्टर से अब तक इंप्रूवमेंट हो भी रहा है, इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं, प्राइसेस में भी नजर आ रहा है और कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स भी किए हैं, कई सारी कमिशनिंग की है। तो ये सेक्टर लीडर है, इनकी कमेंट्री से पूरा सेक्टर सीमेंट रिएक्ट करेगा, लेकिन ट्रेड देख लेते हैं इसके अंदर है या नहीं। आप बताइए रुचित, इसके अंदर ट्रेड बनता है इस भाव से? एक बार रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो, पोजिशनिंग क्या हो रही है रिजल्ट के पहले? विद इन द सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो अपनी अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑफ लेट अल्टरनेटिव सीमेंट है, और जो प्राइस अपो में अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, अब लास्ट तीन दिन से जो करेक्शंस है उसमें वॉल्यूम्स इतने ज्यादा हाई नहीं है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि 7100 7000 की रेंज में अनकेस रिजल्ट्स के कोई भी रिएक्शंस में मिल जाता है तो आइडियली वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक में खरीदारी के लिए। तो बायसनेस स्टॉक का पॉजिटिव है, बट थोड़े से और डिक्लाइंस मिलते हैं तो वहाँ पे बायोडिप्स में ये स्टॉक में खरीदारी करें, 6850 का स्टॉप लॉस होना चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशंस पे। तो बायोडिप्स की ये राय। चलिए अब कुछ दूसरे स्टॉक्स भी लेते हैं, इनफैक्ट कुछ खबरें, कुछ डीलिंग रूम की गपशप डिब्बी से संबंध लेते हैं। खबर गर्म है हमें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या क्या खबरें उनसे जुड़ी हुई चल रही हैं। डिब्बी बताएं। शुक्रिया। देखिए, आपने सब ब्रोकर से बातचीत करने पर आपके सामने लेके आते हैं, और अगर आप इसमें कोई भी शेयर में खरीदारी वगैरह कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से उसके बारे में प्रॉपर जांच वांच कर लें और पता कर लें और फिर उनकी राय के अनुसार ही काम कीजिए। हम तो सिर्फ जो गपशप है उसको समेट के और काफ़ी हद तक चीज़ों को चेक करने के बारे में चीज़ें लेके आते हैं। अब आती है ग्रीव्स कॉटन की बात। सबसे पहला शेयर यही है, इसको लेकर मार्केट में चर्चा ये चल रही है कि इसके अंदर जो पहले गिरावट आई है वो काफ़ी हद तक अब बॉटम बना चुकी है और अब यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी हो रही है। टिपिकली ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को अगले 10 से 15 दिन के हिसाब से बजट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स में पोजीशनें बनवाई जा रही हैं, उसमें से ग्रीव्स कॉटन का नाम अव्वल नंबर पर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ठीक है, जो उन्होंने इस बार ऑटो एक्सपो पर भी लॉन्च करके दिखाए थे, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दिख रही है। दूसरा, हमने जब दो तीन चीज़ें चेक की थी कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो किस तरह का हो रहा है, तो हमने देखा कि इसके अंदर वॉल्यूम 4 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम है आज एवरेज का। 32 लाख शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए हैं और अमूमन इसके अंदर 8-8.5 लाख शेयरों का कारोबार होता है, तो हमारे को ये बात पुख्ता भी लगी और इसलिए हमने ये बात भी नोटिस कर दी है कि 2 दिन में इसका डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा है प्लस वॉल्यूम भी बढ़ा है और ब्रोकर्स ठीक बजट से पहले इस शेयर के अंदर प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स की। तो ये थी पहली खबर। दूसरी है टाटा केमिकल्स को लेकर। कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले भी हमने इस शेयर के बारे में आपको जानकारी दी थी, उसके बाद सेकंड डे 2-3% चला था। अब भी खबर यह है कि केमिकल स्टॉक्स के लिए सीरीज काफ़ी अच्छी जा रही है, तो ब्रोकर्स जहां जहां पे पोजीशनें अच्छी बनी हुई हैं और ठीक बनी हुई है, जहां पे लगता है कि अनवाइंडिंग नहीं होगी, वो पोजिशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। और अभी खबर ये भी आ रही है कि एक बड़ा फंड इस शेयर को धीरे धीरे एकोमोलेट कर रहा है इसी रेंज के अंदर। एक ब्रेकआउट की तैयारी भी शेयर के अंदर हो रही है। टेक्निकल एनालिस्ट आपकी हेल्प करेंगे बताने में कि इसके अंदर ब्रेकआउट किस रेंज के साथ अभी हो जाएगा। जो हमारे पास खबर है वो एक ब्रेकआउट की, सीरीज के अंदर अच्छी पोजीशनिंग की और एक बड़े फंड की वापस खरीदारी करने की हो रही है और इसके अंदर भी डिलीवरी वॉल्यूम अब 50% से ज्यादा का हो चुका है। तो ये 2 शेयर ऐसे हैं जहां पे ब्रोकर्स के बीच में जो गपशप चल रही है वो हमने आपके सामने रखी है। खबर तो गर्म है डिम्पी, लेकिन मामला वहां ठंडा है या नहीं? क्योंकि जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास नॉर्थ के और पहाड़ों से, आपके तो करीब है, वहां बड़ी खूबसूरत बर्फबारी की बात आ रही है। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमारे बहुत ही शानदार विजुअल्स निकाल के दिए हैं केदारनाथ के, वहां पे जबरदस्त, ये देखिए प्रभु के दरवाजे पे जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इसीलिए सैलानी जा भी नहीं पा रहे होंगे। ये देखिए कितनी सुंदर विजुअल्स आ रही हैं। दिल्ली के आसपास जो प्लेन एरिया है ना, उनके साथ तो यही प्रॉब्लम है कि अगर पहाड़ों पे बर्फ पड़ जाए तो ठंड, और अगर राजस्थान में गर्मी पड़ जाए तो यहाँ का टेम्परेचर 48 डिग्री हो जाता है। तो दिल्ली वालों के साथ तो 48 डिग्री का झुलसाने वाला टेम्परेचर भी और 2 डिग्री की ठंड भी मिलती है, तो हमारा क्वेश्चन करीब 46 रेंज का बनता है। डिब्बी, ये तो वही बात है, नीचे सतह 800 भी है लेकिन ऊपर 18-200 भी है, अब डिपेंड करते जाना किधर बाजार का माहौल बन जाए। सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं आप। राजेश जी तो हमारे एक्चुअली वो पार्ट टाइम सैलानी है, उनको घूमने इतना पसंद है, वो तो डेली बैठना पड़ता है स्क्रीन के बाद, मन इनका जो है ना कहीं ना कहीं विचरने के लिए लगा रहता है कि नहीं। अजय जी नेक्स्ट कहाँ प्लान बना रहे हैं? अभी देखिए आपके लिए ऑप्शन ले आए। अजय जी मैं ऑलरेडी गुवाहाटी में हूँ, आज शाम का हमारा इवेंट है तो मैं गुवाहाटी से आपके साथ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, हमें तो जलन हो रही है, कभी साउथ के बैकवाटर्स में, कभी रिश्तेदारों की शादियों में भांगड़ा करते हुए, इंदौर पहुंच जाते हैं, कभी केरला पहुंच जाते हैं। हाँ वही ना।
चलिए ठीक है, प्रभु ने कहीं ना कुछ लोगों की किस्मत में सब कुछ पतंग भी बहुत बढ़िया उड़ाते हैं अजय, पतंग बहुत बढ़िया उड़ाते हैं नहीं बट यहाँ पेज कट रहे हैं, यहाँ सब बुल्स के पेज कट रहे हैं इस समय मार्केट में। तो पूछ लेते हैं कहाँ से डोर खींचनी है, बीटीएससी ट्रेड कहाँ होने चाहिए, कहाँ खींच के ट्रेड रखें आप बताएं राजेश। तो देखिए तेजी के ट्रेड है तो जो हमें लग रहा है कि स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, एपीएल अपोलो ये स्टॉक में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे भी और डेली सेटअप पे, जिस तरीके के मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट एपीएल अपोलो आज करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है एपीएल अपोलो को यहाँ से बीटीएसटी भी और पोजिशनल बेसिस पे भी बाय किया जा सकता है। 1250 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है, स्टॉप लॉस होगा करीब 1155 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस से शोभा का, शोभा में एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, काफी टाइट रेंज में स्टॉक का प्राइस बिहेवियर था और आज की जो वॉल्यूम के साथ जो प्राइस एक्शन बनी है अब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ है, तो शोभा पे बाय करने की सलाह है। और इसमें हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 645 से 650 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 605 के आसपास। ठीक है, तो चलिए शोभा लिमिटेड की जहां आपने बात की, इनफैक्ट आज सुबह से यू आर राइट राजेश जी, अच्छा एक्शन है, रुचित भी है आई थिंक हमारे साथ, रुचित जहां रियल एस्टेट की ही बात हम कर रहे हैं, अनंत राज के भी नंबर्स आए लेकिन स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है। रुचित एक बार, क्या गिरावट में आपको लगता है कोई ट्रेड लेना चाहिए या नहीं? आई थिंक स्टॉक ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से चल चुका है, अगर आप लास्ट 15-20 दिन में देखें तो दिसंबर के एंड में ये स्टॉक लगभग 88-89 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 88 वाला ऑलरेडी 120 रुपये हो चुका है, आई थिंक इसीलिए ज़्यादा बड़ा रिएक्शन अभी नहीं है। बट यस नो, ट्रेंड स्टॉक का नो डाउट पॉजिटिव है, तो कोई भी डिक्लाइन आता है तो जो ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का वो 114-115 की रेंज में था, सो आइडियली वो एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा कोई भी डिप्स पे, तो मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा डिप मिलता है फिर से सपोर्ट के आसपास तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले स्टॉक में फिर से खरीदारी करने के लिए। ओके तो चलिए गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए राय। और एक और स्टॉक है राजेश जी, मजगांव डॉक, देखिए आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच करीब 4-5% तक के तेजी यहाँ पर 768 के लेवल्स पर अच्छी मजबूती, और इनफैक्ट 732 से लेकर 760 तक का सफर आज के सत्र में ही इसने पार किया अच्छी खासे एक्शन के साथ, खरीदना चाहिए या नहीं? मानसी जी, मजगांव डॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है लेकिन लास्ट 2 महीने में अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग जिसको बोल लें वो होते हुए दिख रही, ओवरऑल स्टॉक के स्ट्रक्चर बुलिश है लॉन्ग टर्म में और ये करेक्शन जो है एक अपॉर्चुनिटी बाय करने की। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन की गिरावट के बाद आज ये पहली बार स्टॉक में एक वापस से रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है कि थोड़ा प्राइस एक्शन का और वेट करेंगे, 785-790 ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ स्टॉक ने एक करेक्शन का जो फेस था वो कंप्लीट करके अब वापस रिकवरी के मोड में आते हुए दिखेगा, तो 785 का वेट करेंगे, अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं, अब आज के सेशन में तो टाइम कम बचा है, अब हमें देखना होगा मंडे अगर ये 785 के ऊपर निकलता है तो वहां बिल्कुल बाय करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 830-840 की तरफ। आरपीजी लाइफ को देखिए, पिछले क्वार्टर मजबूत नंबर आए, स्टॉक चला, फिर साइडवेज आया, अब फिर रिजल्ट्स के पहले थोड़ा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है काउंटर, आज ही अभी लास्ट आधे घंटे में 4.5% भाग गया, 1000 के टॉप से करेक्ट हुआ है अब 880 के आसपास, को लेना चाहिए? तो अजय जी बिल्कुल, आज के सेशन में आरपीजी लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम बना और स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है, तो नियर टर्म सेटअप पे करेक्शन के बाद जरूर यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक ने एक अच्छा बॉटम बनाया 840 के आसपास, अब ये लेवल अगर होल्ड आउट होते हैं तो इसके इमीडिएट जो टारगेट बनना चाहिए 910 तक बनते हुए दिख सकते हैं, 910 के बाद अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 940 तक भी आते हुए दिख सकता है, तो यस इसमें एक बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि पोजीशन जिनके पास लॉन्ग साइड की होल्ड रखें, नया फ्रेश ट्रेड भी अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 860 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें 910-940 के टारगेट के लिए। राइट बिल्कुल, तो ये आरपीजी लाइफ पर एक व्यू है, लेकिन आप जाते आते एक बार ये भी समझ लेते हैं कि वीकेंड पर और अगले हफ्ते कमिंग वीक में कौन कौन से बड़े नंबर्स हैं, बड़े से इवेंट्स हैं। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक के कल नंबर है, बैंक्स के इनफैक्ट आप आईसीआईसीआई बैंक के नंबर है, अगले हफ्ते एक्सिस बैंक के भी नंबर आने हैं, उसके अलावा आगे जाकर आप बजाज ऑटो, मारुति, इन सबके भी नंबर्स आने हैं, आगे के भी नंबर्स दिखाते हैं, तो ये तो कल के नंबर्स हैं, लेकिन इसके अलावा बड़े नंबर्स में बजाज ऑटो, मारुति, ढेर सारे टाटा मोटर्स के नंबर है और
इनफैक्ट मिड कैप स्पेस में भी बहुत सारे कंपनियों के नंबर्स हैं और पतंजलि के भी इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंगली मैं ये देख रही थी 25 को पतंजलि के भी नंबर्स होंगे, टाटा मोटर्स के नंबर्स होंगे। पतंजलि के तो मैनेजमेंट ने खुद गाइड कर दिया था आगे आने वाले क्वार्टर में, हमारे अंकुर बाबू लेके आए थे ना डिस्कस कर, हाँ बहुत हिलते हुए पूरे समुद्र में मंथन की तरह निकाल कर लाए थे वो वाली बाबा जी खुद कह रहे थे इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रेशर था लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव होंगे, मैं तो बहुत हैरान था। चलिए तो जान लेते हैं पतंजलि पे ट्रेड बनता नहीं बनता, लेके जाना चाहिए क्या बीटीएस की ट्रेड को, रुचित पतंजलि पर क्या ट्रेड बन रहा है? थिंक यहाँ पे देखे तो ऊपर 1240 के आसपास हर्डल है स्टॉक में, 1220-1240 जो काफी समय से अभी निकला नहीं है, सो इनकेस ऐसे कुछ ब्रेकआउट नियर फ्यूचर में देखने मिलता है तो उसके बाद ही ये स्टॉक में कोई एंट्री लेने की सलाह रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बाय मोड में तो नहीं है पतंजलि, हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है बट एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज की शायद प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ हफ्ते ऐसे कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये तो पतंजलि फूड पे बात है, बैंक्स के भी नंबर्स हैं, कोटक बैंक के नंबर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक के कल नंबर्स हैं, क्या ट्रेड लेके जाना चाहिए? जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स और आज तो इनफैक्ट हम जगह मिस्त्री से भी बात करते हैं वो भी कहते हैं कि फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा एनबीएफसी की तरफ भी, दिनशॉ से इनफैक्ट हम सुबह आज बात करते तो वो ये बोल रहे थे, तो क्या बैंक्स इस वक्त एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक इन पर भी कोई बीटीएसटी की सलाह होगी आपकी राजेश? देखिए एक्सिस को छोड़ के मैं आईसीआईसीआई और कोटक पे जरूर कमेंट करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में एक करेक्शन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, काफी हेल्दी करेक्शन था स्टॉक में और स्टॉक में जो करेक्टिव मूव आया इसमें स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलता हुआ दिखा। हालांकि पिछले दिनों में जो हमने देखा कि एक रिकवरी का ट्रेड दोनों इंडाइसेस में देखने को मिला, इवन बैंक निफ्टी में भी बना, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का पार्टिसिपेशन अभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। स्टॉक में देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है स्टॉक वो करीब 880-885 के जोन पे ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है मार्केट नंबर्स का वेट कर रहा है, जब तक क्लियरिटी नहीं आती है मार्केट में कोई बड़ा मूव यहां से नहीं बनेगा। ऑन द डाउनसाइड यहां पे जो इमीडिएट सपोर्ट बने हुए करीब 855-860 के जोन में बने हुए, अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो ये करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और हो सकता है कि फर्दर एक्सटेंशन में करेक्शन के ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 825 के आसपास है वहां तक भी फिसलता हुआ दिखे। तो रिकवरी में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया बैंकिंग सेक्टर की, तो हमें थोड़ा यहां पे वेट करना होगा, यहां पे प्री एम्प्ट करके कोई ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं करना है आईसीआईसीआई बैंक में। वहीं अगर हम बात करें कोटक बैंक की तो कोटक बैंक में भी एक डाउन ट्रेंड यहां पे आते हुए दिख रहा है, ये थर्ड वीक है जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं कोटक बैंक में और जो एक करेक्शन का दौर चल रहा है कोटक में उसमें अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वीकनेस बनी हुई है और ऑलमोस्ट आज की जो क्लोजिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल के आसपास ही होते हुए दिख रही, जो कि सेप्टेम्बर 2022 के लो के आसपास स्टॉक अप क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है अगर ये ब्रेकडाउन होता है 1750 के नीचे तो कोटक में भी नेक्स्ट जो डाउनसाइड ओपन हो सकती है वो करीब 1710-1700 तक की होते हुए दिख सकती है, तो यहाँ पे भी अवॉइड है, अभी हमें लगता है कि इसको जल्दबाजी में बाय नहीं करना चाहिए, वीकनेस यहाँ पे अभी भी बनी हुई है नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से। तो इनफैक्ट मार्केट पर कॉशियस ही आउटलुक है इस वक्त राजेश जी का, और राजेश जी एक बात आपकी सही भी है क्योंकि इंडेक्स पर तो कोई ज्यादा एफर्ट्स आज नजर नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो है वो फ्रंट लाइन में जरूर है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ नजर आ रहा है विच इज नॉट अ गुड साइन इन इटसेल्फ। अगर आप इस वक्त देखेंगे हल्की सी सही लेकिन निफ्टी जो है 18,000 के ऊपर एक तेजी की चाल पकड़ने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से इस वक्त थोड़ी थोड़ी सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो बेरिश नजर आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है 18,100 की कॉल में जबरदस्त राइटिंग होती हुई यहाँ पर नजर आएगी और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि एक मूवमेंट जो है वो कॉशियस सा ट्रेंड की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त मार्केट में 18,000 के ही आसपास पूरे दिन मार्केट झूलता हुआ। लेकिन आइए ऐसे में कई सारी खबरें हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है आने वाले दिनों में, बस 11 दिन बचे हैं और बजट हमारे सामने होगा जो कि सबसे बड़ा इवेंट है भारतीय बाजार और इकोनॉमी के लिए, उससे ठीक पहले कई सारे सेक्टर्स भी फोकस में रहते हैं। एक ऐसी स्टोरी लेकर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डीबीटी के पायलट की तैयारी पूरी कर चुकी है, जल्द ही स्कीम का पायलट शुरू भी हो जाएगा, इस खबर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आइए प्रकाश से समझते हैं। प्रकाश आप बताएं।
देखिए सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सब्सिडी की अदायगी के लिए डीबीटी स्कीम की शुरुआत करना चाहती है और अब उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट करने पर सहमति बन गई है। दरअसल कर्नाटक गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट करने पर रजामंदी दे दी है और इसके लिए जो जरूरी इंतजाम है वो भी कर लिया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने एक्चुअल फार्मर्स की जानकारी जुटा ली है, कौन लैंड ओनर है, कौन टेनेंट फार्मर्स है, उसकी जानकारी जो है आधार नंबर के साथ जुटा लिए गए हैं और अब जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी इस स्कीम के लिए। इसके प्रस्ताव के हिसाब से जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, जो लैंड ओनर है उसको इस बात का विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने सहित 5 लोगों के नाम अधिकृत कर सकता है आधार नंबर के साथ, जिसको कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा। संबंधित लैंड पार्सल पर एक क्रॉप सीजन में 5 ही अधिकृत व्यक्ति में से कोई एक ही व्यक्ति फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है डीबीटी के थ्रू और उसका मिलान जो है आधार नंबर के साथ किया जाएगा। अगर किसी साल में टेनेंट फार्मर्स की जो जानकारी है उसमें बदलाव करना है, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है और किसी को जोड़ना है, उसकी भी जानकारी आधार नंबर के साथ लैंड ओनर को अपडेट करना होगा। इसका मकसद ये है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अदायगी में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जो एक्चुअल फार्मर है उसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी की अदायगी है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और चालू वित्त वर्ष में ये 2,15,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। ठीक है, ऑल राइट, शुक्रिया प्रशांत प्रकाश इस खबर के लिए। अब चलिए वेरी क्विकली एक लास्ट टॉक का, राजेश बात हम कर रहे थे ऐसे रूरल डिमांड में रिकवरी की, एचयूएल की कमेंट्री से निकल कर आई, डाबर और मैरिको को भी आप देखें वहां पर भी लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या मैरिको भी एक बीटीएसटी ट्रेड है? प्रियंका जी, अभी अवॉइड करेंगे स्टॉक में, अगर देखें तो एक इनसाइड बार यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे, तो अभी यहाँ पे नियर टर्म सेटअप पे अभी ब्रेकआउट अवेटेड है जो कि होगा करीब 512 के ऊपर, जब तक वो स्टॉक क्रॉस नहीं करता। अभी बीटीएसटी के लिए सेटअप अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा अभी हमें मैरिको का, 512 के ऊपर जरूर एक ट्रेड बन सकता है जो कि स्टॉक को 525 की तरफ लेके जा सकता है। आज डॉक्टर रेड्डीज में भी आपको तेजी दिखाई दी और ये तेजी पिछले हफ्ते डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज जो वहां पर ऑब्जर्वेशंस की बात थी, एक्सपोर्ट जो उनके नंबर्स हिट हुए थे उसके बाद एक जो डाउनसाइड देखने को मिला, क्या वो रिकवरी मोड है या फिर नए बिल्टअप भी दिख रहे हैं? रुचित वेरी क्विकली डॉक्टर रेड्डीज पे एक व्यू शेयर करें। आई थिंक अभी भी मोर एक कंसोलिडेशन फेज में हम अगर देखें तो लास्ट 3 महीने में ये स्टॉक ना ही कोई प्राइस अप मूव सिग्निफिकेंट दिए, ना ही कोई बड़े करेक्शन ये स्टॉक में आए, एक ट्राइंगल पैटर्न स्टॉक में फॉर्म हुआ है जिसका हायर एंड 4400 है और लोअर एंड 4250 है, सो ये 100-150 पॉइंट की रेंज बन गई है। तो आई थिंक इसी 150 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन शायद अभी भी और थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है और जब भी इधर 4400 के ऊपर या 4250 के नीचे जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद कोई डायरेक्शनल मूव पता चलेगा जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा। तो ठीक है, चलिए इस बीच आप अगर देखें तो आज क्योंकि हम दिन भर में आपको जो ट्रेड्स वीक ट्रेड दिखे उसमें एफएमसीजी पैक के तो स्टॉक्स थे ही, साथ ही आपको बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स और अब आप टाटा मोटर्स को भी देखें तो टाटा मोटर्स के भी क्योंकि नंबर्स है कमिंग वीक में और अब जो सुबह की एक बढ़त थी यहाँ पर अपने कुछ फंड रेजिंग की खबर थी उसके बाद वो गेंस भी अब इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो या फिर स्क्वायर ऑफ होते हुए ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में मूव है, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में मूव है, तो क्या टाटा मोटर्स या मारुति बजाज ऑटो इनमें से कोई एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड दिखता है क्या अगले हफ्ते रिजल्ट्स को देखते हुए? राजेश, मारुति इंटरेस्टिंग लग रहा है हमें थोड़ा, मारुति में जरूर मल्टीपल अटेम्प्ट किए स्टॉक ने रिकवरी के, नियर टर्म सेटअप पे थोड़ी स्ट्रेंथ जरूर बनी है पिछले दिनों में, यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है 83.40 के स्टॉप लॉस से, जैसे ही स्टॉक में 85.40-85.50 के लेवल क्रॉस होंगे मारुति एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है विद इन ये 2-3 स्टॉक जो आपने जिक्र किए उसमें। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये तो आपके कुछ ट्रेड्स हुए हैं लेकिन एट द सेम टाइम बैंक्स की आप जो बढ़त देख रहे थे आज सुबह 300-350 पॉइंट्स की बढ़त थी वो अब थोड़ी सी नीचे से जरूर आई है, 150 पॉइंट्स की बढ़त दिख गई है या फिर ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहा है बिफोर अ वीकेंड। अब अगर आज एक बड़े एक टाइट रेंज में ही बाजार ने सारा दिन कारोबार भी किया है रुचित और 18,000 के ऊपर हम कारोबार क्लोज होने में कामयाब होते हैं तो यहाँ से क्या लॉन्ग के ट्रेड्स आपको दिखते हैं या आपको लगता है कि वाइंड अप कर देनी चाहिए अपनी बड़ी पोजिशन और थोड़ा लाइट रखना चाहिए?
इन ट्रेडिंग पोजीशंस है तो क्योंकि वीकेंड है तो सडनली थोड़ा लाइटन अप होके जा सकते हैं, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू से देखेंगे तो मार्केट में हाल फिलहाल ही जो ब्रेकआउट हमने देखा है 20 EMA के ऊपर, ये हो सकता है आज का जो डिप है वो जस्ट एक पुल बैक मूव है विद इन अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है। सो मुझे लगता है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट डाउनसाइड मार्केट में नहीं है। नीचे जब ये 17,900-18,000 की जो रेंज है वो रेंज में कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट बेस आने वाले हफ्ते में मार्केट बनाने की कोशिश करेगा और मे बी नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव की शुरुआत करेगा। सो इट जस्ट प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि एक वीकेंड आ रहा है इसके लिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, बट नो फ्रेंकली अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव है नेक्स्ट एक से दो हफ्ते पूरे का व्यू है तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जस्ट अगर इंट्राडे ट्रेड्स लिए हो तो वो एक बार यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए जा सकते हैं। और नीचे नेक्स्ट वीक में अगर 17,900-18,000 ये रेंज में जब लोअर लेवल्स पे मार्केट मिलता है तो वहां पे फिर से लॉन्ग बनाने के लिए अटेम्प्ट करें। रुचित जी बिल्कुल, बाजार की क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर और 18,000 के आसपास ही इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरफ से करीब 200 अंकों की बढ़त 42,500 के पार क्लोजिंग नजर आ रही है और 60,620 के आसपास 238 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में एक म्यूटेड एक्शन मार्केट में देखने को मिला। एक टाइट रेंज में बाजार दिन भर झूलता रहा, कुछ तमाम काउंटर्स में एक्शन हमने देखा, बैंक्स की बदौलत बाजार में आज सपोर्ट मिलते हुए दिखे और कुछ कुछ आईटी कंपनियां थी जो कि आज बाजार को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हैवी वेट्स लाइक रिलायंस हैवी वेट्स की तरफ से जो बिकवाली का दबाव देखने को मिला इसके ठीक बाद बाजार में जो है गिरावट और ज्यादा हावी रही। आज के दिन के लिए सारी की सारी नजरें रिलायंस के नतीजों पर रहेगी, रिलायंस के नंबर्स और साथ ही जियो के आरपू और साथ ही 5G को लेकर क्या कमेंट्स निकल कर आते हैं इस पर खास नजर रखनी होगी और मंडे को इसका रिएक्शन आता हुआ दिखेगा। इससे ठीक पहले नंबर्स में इससे ठीक पहले हमने रिलायंस के स्टॉक में एक मूवमेंट जो है वो कॉशियस साइड भी देखी। HUL के काउंटर ने परफॉर्म नहीं किया, न्यूज फ्लो था और पेरेंट कंपनी के रॉयल्टी को लेकर जो खबरें आई उसका एक इंपैक्ट था। HUL के नंबर्स इन लाइन थे लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया, करीब 4% की गिरावट पर ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। HDFC ट्विंस ने बाजार को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया और साथ ही टाटा मोटर्स EV बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की खबर आई इसके ठीक बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, अच्छी मजबूती के बीच दिन भर स्टॉक ने ट्रेड किया और क्लोजिंग में हम देख रहे हैं करीब 0.5% की बढ़त के साथ ही इस वक्त टाटा मोटर्स की होती हुई। JSW स्टील के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से ठीक पहले कॉशियस नजरिया स्टॉक में, मूवमेंट यहां पर ऑन अ कॉशियस साइड नजर आ रही है लेकिन HDFC लाइक के नंबर्स आते हुए दिखे, नतीजे वीक थे, कमजोर नतीजों का एक इंपैक्ट था जो कि HDFC लाइफ पर देखने को मिला, बिकवाली का दबाव HDFC पर भी हावी होता रहा। पेटीएम में करीब 3% तक की तेजी देखने को मिली और ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खास बातचीत में कंपनी के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने कहा कि बर्कशायर हैथवे की कंपनी में हिस्सेदारी जो उन्होंने बरकरार रखी है और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम था और पेटीएम का स्टॉक प्राइस इस वक्त अगर आप देखेंगे 4% की बढ़त के साथ ही बाजार में क्लोज होता हुआ, तो क्लियरली एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट की तरफ से जो बात निकल कर आई उसका एक असर देखने को मिला। HDFC ट्विंस के अलावा ICICI बैंक ITC और HDFC इनफैक्ट इन तमाम स्टॉक्स ने भी बाजार को संभालने का काम किया लेकिन बिकवाली रिलायंस HUL और इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिली। अच्छा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में IGL MGL के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट थी और मिड कैप गेनर्स में सबसे आगे अगर आप देखेंगे तो मिड कैप IT प्लेस थे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। बहरहाल फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग जो है कमजोरी के साथ ही होती रही। राजेश जी, रुचित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।